केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज नमो हैट्रिक टी शर्ट पहनकर निकले हैं। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल संसद में नहीं आ रहे हैं, ये लोकतंत्र के मंदिर का अपमान है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। संसद के सत्र का आज आखिरी दिन है, लेकिन हर बार की तरह अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री कुछ नए अंदाज में आते हैं। आज हैट्रिक लगाने की तैयारी, तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। देश की जनता ने मन बनाया कि नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक लगाएंगे, तो हमने कहा नमो हैट्रिक। देखिए, देश की जनता चाहती कि देश आगे बढ़े और देश का मान सम्मान बढ़े, गरीबों का कल्याण हो, भारत का विकास हो। अगर 4 करोड़ पक्के मकान अब तक बने तो 2 करोड़ और बनकर हों। अगर 1.5 लाख किलोमीटर हमने नेशनल हाईवे की सड़कें बनाई तो आगे और 50,000 किलोमीटर की बने। अगर हमने 3,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बना दी तो अब 1,00,000 किलोमीटर और बने। अगर हमने 75 एयरपोर्ट से बढ़ाकर 150 एयरपोर्ट कर दिए और 1100 यूनिवर्सिटीज़ कर दी, 700 मेडिकल कॉलेज नए खोल दिए, 7 एम्स से बढ़ाकर 23 कर दिए एम्स अस्पताल, तो जनता ये दिल मांगे मोर, तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी मांगे और वोट। ये तो आपने राजनीति और आंकड़ों की बात की, तो इसके लिए क्या भारत रत्न देकर इंडिया गठबंधन को तोड़ना भी ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है? भारत रत्न किसको दिया? जिन्होंने किसानों की आवाज़ उठाई, जो जमीन से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र से आकर देश के प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह जी को दिया। स्वामीनाथन जी ने किसानों के लिए पूरा जीवन दे दिया और उनका तो मान सम्मान वैसे किया। नरसिम्हा राव जी ने मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अपना बहुत बड़ा योगदान भारत की राजनीति के लिए दिया। वो बात अलग है कि कांग्रेस ने उनका जितना उपहास किया, जितना उनके ऊपर अत्याचार किया, कांग्रेस ने तो नरसिम्हा राव जी को एक तरह से बिल्कुल फेंक दिया था। अब हमने उन लोगों को मान सम्मान दिया जिनको कांग्रेस ने बिल्कुल किनारे किया था, लेकिन जिनका हक अधिकार था उनको मिला है। राहुल गांधी संसद में इस बार कम ही दिखे? मुझे तो यही नहीं समझ आता कोर्ट में मुकदमा लड़ने क्यों गए थे अगर संसद ही नहीं आना था। अगर उनको बर्खास्त किया गया था 2 साल के लिए और उसके बाद भी पार्लियामेंट नहीं आए, तो इसका मतलब उनका लोकतंत्र के मंदिर में, पार्लियामेंट में विश्वास ही नहीं है। वो जनता द्वारा चुने जाने के बाद भी जनता के मुद्दे उठाने के लिए संसद में नहीं आना चाहते, और उनकी गैर हाजिरी, कांग्रेस के निराशा, आप देखिए कांग्रेस के सांसदों में कितनी निराशा थी, लट के मुरझाए चेहरे, ऐसा लगता है अभी से थक गए, चुनाव लड़ना नहीं चाहते। ये बॉडी लैंग्वेज जो विपक्ष की नज़र आई इस पूरे सेशन में, ये अपने आप में दिखाते हैं चुनाव होने से पहले इन्होंने हथियार डाल दिए। कहते हैं आप ईडी का इस्तेमाल करते हैं हथियार खींच लेने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर धीरज साहू के यहाँ पर 100 करोड़ रुपये मिलते हैं तो क्या ईडी जांच ना करे, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूँ। अगर झारखंड के मुख्यमंत्री 1,000 करोड़ की जमीन कब्जाई कर लें, लीज अपने नाम पे कोयला खदान कर लें, तो क्या उनके ऊपर जांच ना हो काले धन के ऊपर? क्या उनके यहाँ 1,00,000 रुपये मिले, किसी के यहाँ पर 1,00,000,000 रुपये मिले? 500 करोड़ रुपया घूस दी जाती है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, टीवी पे आकर देने वाला कहता है, तो क्या उसके खिलाफ जांच ना करें? क्या इनके अलग अलग घोटालों में जो पैसे लेके विदेश फरार हो गए उनको पकड़ के ना लाएं? ये हमारा देश के प्रति कमिटमेंट है कि हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। हमने 10 साल भ्रष्टाचार मुक्त सरकार मोदी सरकार ने दी और हम आगे के लिए भी भ्रष्टाचार मुक्त देंगे। लेकिन जहाँ कांग्रेस या बाकी दल के किसी नेता ने भ्रष्टाचार किया है या भाजपा का भी किया हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो एजेंसीज करती हैं, जैसे कि मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, संजय सिंह जी जेल में हैं, अब इनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे केजरीवाल जी, साल हो गया जेल में पड़े, सत्येंद्र जैन जेल में 1.5 साल हो गए थे पड़े, अब अरविंद केजरीवाल अगर 5 ईडी के समन आने के बाद भी ना जाए और कोर्ट अब फटकार लगा के बुलाए, तो अपने आप में पता चलता है कि कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार के चलते डरे हुए हैं। अब जब पैसा खाया तब नहीं डरे, ईडी के संबंध से क्यों डरते हो? कौन किससे डर रहा है, बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल जनता देगी जवाब। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।